So here I am, and I know it's been a while, काफी time हो गया है कि कोई नई video नहीं आई है इस channel पे, and काफी नए नए trailers आए होंगे. I'm not even aware कौन कौन से नए trailers आए हैं. The life is my life is not going on the right track right now. And that is the reason that I'm very far away from my social media. I'm not active on any of my social medias. I'm not active on my YouTube. I'm not making any more videos as of now. And firstly, I thought that मैं अपना पर्सनल लाइफ का रीज़न शेयर नहीं करूँगा अपने चैनल पे, क्योंकि दिस इज़ YouTube. पीपल कम टू YouTube फॉर कंटेंट, एंड दे वॉच इट फॉर मूवीज. दिस पर्टिकुलर चैनल इज फॉर मूवीज, सीरीज, गेम्स, ट्रेलर्स एंड रिव्यूज. सो वाई एम आई डिस्कसिंग माई पर्सनल लाइफ हियर? बट दिस इज सच अ ह्यूज थिंग इन माई लाइफ. इट्स अ ट्रेजिडी जिसकी वजह से आई एम नॉट इवन बी एबल टू टच माई कैमरा. आज somehow I felt that जो भी है सबके सबकी कोई ना कोई फैमिली होती है, एंड सबके कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, सबकी लाइफ में होते हैं. आई सडनली रियलाइज दैट द यूट्यूब फैमिली, द यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो इतने डेडिकेशन के साथ मुझे फॉलो करते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई स्नैपचैट, एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब, सारे वीडियोज़ देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, और नई वीडियोज़ के लिए सजेशंस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. यू पीपल आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. यू आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. यू आर द रीज़न दैट दिस चैनल एग्जिस्ट, एंड इसीलिए आप लोग वो रीज़न जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है. एंड सिंस यूट्यूब इज़ द मेन मीडियम जिसकी वजह से एवरीवन फॉलोज मी ऑन सोशल मीडिया, सो आई थॉट यूट्यूब इज प्रॉबेबली द बेस्ट मीडियम, आई शुड से दिस. द ट्रेजिडी हैपेंड ऑन 9th September, एंड द ट्रेजिडी वॉज दैट आई लॉस्ट माई फादर ऑन 9th September एट 7 इन द इवनिंग. आई लॉस्ट हिम. सो दीज फ्यू डेज सिंस 9th September हैज़ बिन रियली समथिंग फॉर मी. आई फील काइंड ऑफ लॉस्ट. आई डोंट नो वॉट टू डू. माई फादर वॉज लाइक द मेन बैकबोन ऑफ मी. ही वॉज माई स्ट्रेंथ, एंड नॉट सो वाइल बैक आई शेयर्ड ऑन माई इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट दैट ही वॉज नॉट वेल. हिज हेल्थ वॉज गोइंग डाउन हिल सिंस जून. ही हैड हिज हेल्थ वॉज वेरी इट वॉज डिग्रेडिंग फास्ट. ओके, एंड एंड सडनली आई एम स्पीचलेस. आई डोंट नो वॉट टू से. सो दैट्स द रीज़न दैट आई हैव बिन नॉट बिन एबल टू पुट एनी वीडियोज एज ऑफ नाउ. एंड अभी भी मैं कब तक वापस कंटिन्यू कर पाऊंगा इस चैनल को, आई डोंट नो. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेंटल एनर्जी अभी मेरे अंदर कि मैं कोई ट्रेलर देख के या कोई मूवी देख के या कुछ देख के उसे इंजॉय कर सकूं एंड उसके बारे में वीडियो बना सकूं. आई डोंट हैव दैट मेंटल इमोशनल पावर एज ऑफ नाउ. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ टेम्परेरी हायटस, एंड
दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल, आप मेरी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, मेरे कंटेंट के लिए या जो मेरे ओपिनियंस होती है, मेरे रिव्यूज़ होते हैं, मेरे रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए आप मुझे फॉलो करते हैं. एंड अगर आप इस हायटस से अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे अनसब्सक्राइब करें या मुझे सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दें, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ एंड मुझे अभी भी नहीं पता मैं एक्टिव होऊंगा या नहीं होऊंगा, नॉट एनी टाइम सून आई थिंक. तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब, अनफॉलो या कुछ भी कर सकते हैं इफ़ यू गाइज वॉन्ट, क्योंकि अभी के लिए आई डोंट थिंक आई कैन मेक वीडियोज़. आई नीड सम टाइम टू कोप अप, एंड व्हेन आई फील दैट आई एम ओके, आई कैन मेक वीडियोज़ अगेन, देन श्योरली आई कंटिन्यू इट. ऐसा नहीं है कि इट विल बी अ टेम्प्रेरी क्लोजर फॉर मी, नो दैट्स नॉट गोना हैपन. एंड द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ इट वॉज माई फादर, बिकॉज पापा को मेरा यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद था. ही यूज़ टू बी सो हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता था, ही यूज़ टू सेंड लिंक्स टू हिज कलीग्स, हिज फ्रेंड्स, एंड ही यूज़ टू से देखो मेरे बेटे ने नई यूट्यूब वीडियो डाली है, प्लीज़ वॉच दिस. एंड YouTube video, it's not like I'm earning something. I'm not earning anything from YouTube as of now. And still, he used to feel so proud that that I'm making videos for YouTube. He used to feel proud, and that's the reason I'm never gonna stop doing this, because somehow I feel that it's something my father would have wanted to to make to so that I could continue making YouTube videos. And there's a reason that the shirt I'm wearing today, it's my father's shirt. And it's, I just felt that this is the right choice to, wear in this video. It is, I'm wearing, it's a sign of my father in this video. So it's like, it's not only me in this video, it's me and my father in this video right now. It's been 9th September. I know it's been what, 2 weeks now, I think, but I was going through a puzzle. मुझे नहीं पता था कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, या मुझे शेयर करना चाहिए ये यूट्यूब पे या नहीं, बट आई फेल्ट दैट इट्स योर राइट. आप लोग इतने डेडिकेशन से एंड इतने प्यार से मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, तो यू हैव द राइट टू नो, एंड आपका भी हक है जानने का दैट व्हाई दिस हायटस एंड व्हाट्स गोइंग ऑन. सो इट्स योर राइट टू नो, एंड द अमाउंट ऑफ लव आई गेट फ्रॉम यू पीपल, सो आपको भी ये जानना ज़रूरी है दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, दैट्स व्हाट आई फील. एंड जितने लोग यूट्यूब देखते हैं, जो ऑब्वियसली द यूट्यूब सब्सक्राइबर्स आर मोर देन माई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऑन फ्रॉम यूट्यूब, सो इसीलिए आई टोल्ड दिस स्टोरी ऑन यूट्यूब. एंड समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारी लाइफ में कोई कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें पता होता है. आप सभी के पेरेंट्स होंगे एंड सबके मॉम या डैड या दोनों होंगे ही होंगे, एंड सब उनसे बहुत प्यार करते हैं. आई नो दैट आप सब लोग अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते होंगे. मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपनी मॉम से एंड बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने डैड से. दे आर लाइक एवरीथिंग टू मी. एंड ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लड़ नहीं सकते हैं. कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लगता है कि यार मैं इतने एफर्ट्स डालूंगा कि ये चीज़ मैं बदल दूंगा इस चीज़ को, बट दिस इज समथिंग आई रियली होप जो मैं फील कर रहा हूँ आप में से कोई भी कभी फील ना करे. आई रियली विश फॉर दैट, क्योंकि ये जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है ना अंदर, दिस इज इट्स अ किलर मैन, इट्स अ किलर. इट्स लाइक
I mean, my dad died in the next room, in my very arms, he took his last breath. And the amount of helplessness I was feeling at that time, that he's dying and I'm not able to, you know, do anything. It's like, main kuch nahi hu, I'm a nobody, then I can't help my own father. It's... हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन जब कोई हमारी लाइफ से चला जाता है तब हमें उसकी असली वैल्यू पता चलती है. हमें हमेशा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितना भी आप अपने, आई नो सबका ऑफिस है, जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, एवरीवन इज बिजी, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, एवरीवन इज सुपर बिजी, लेकिन जितना भी टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं प्लीज कीजिए. ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू वॉन्ट रिग्रेट इट. आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, इनफैक्ट आई वॉज मोर क्लोज टू माई फादर देन माई मदर. अब जबकि उल्टा होता है, बेसिकली सन्स आर मोर क्लोज टू देयर मदर्स एंड डॉटर्स आर मोर क्लोज टू देयर फादर्स, बट आई वॉज मोर क्लोज टू माई फादर एंड he's just gone and I'm and now I feel that yaar, you know, ek baar aur baat karne ko mil jaye, ya you know, ek baar aur bas ek baar awaaz sun lu, and it's now all I do is I watch his pictures, I watch our videos together and all that stuff, and that's the only thing that, you know, that's the only essence I have of him now. And इसीलिए guys, जितना भी आप spend कर सकते हैं अपने parents के साथ time spend करिए, it's really important. And you know, that's it. I don't know what else to say. It's just fathers are actually the, you know, the spine of the house. He's every father, सब जितने भी घर होते हैं, हर घर में एक फादर होता है, या कोई एक फादर फिगर होती है. इट कैन बी अ मदर, इट कैन बी अ ब्रदर, इट कैन बी अ सिस्टर, इट कैन बी एनी वन. एक फादर या एक फादर फिगर होती है घर में, दैट पर्सन इज द स्पाइन ऑफ अ होम. एंड वो स्पाइन जब चली जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन थिंग्स. एंड नाउ दैट ही इज गॉन, I don't know if it's okay to share that, you know, what actually happened to him. I don't know if it's okay or not, but I'll say that, you know, it was a very chronic disease, and there was no treatment for that disease, and I tried everything I could, and I even, you know, tried Ayurvedic medicines, and I tried everything that was possible, but I guess maybe it wasn't enough, or you know, the God had, you know, planned something else completely. Okay, so guys, in conclusion, I'll just say that you know, it will be a while since I'll, you know, come back on a video. So agar aap unsubscribe karna chahte hain ya you know Instagram, Snapchat wagera se unfollow karna chahte hain, so you can totally go ahead, I won't stop you, it's your right. अगर आप वेट करना चाहते हैं तब तक के लिए, तो यू नो दैट इज एब्सोल्युटली ओके. आई लव यू ऑल. ऐसा नहीं है मैं आप लोगों से प्यार नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बट आई जस्ट नीड अ लिटिल मोर टाइम कि मैं दोबारा, यू नो, मूवीज, ट्रेलर्स एंड इन सब चीज़ों को दोबारा मैं इंजॉय करने की स्टेट में आऊँ. अभी मैं उस स्टेट में नहीं हूँ, सो अभी के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेलर्स हैं वो सब मिस हो जाएंगे. आई एम नॉट इवन अवेयर कि क्या क्या ट्रेलर्स आ गए हैं, क्या क्या हो रहा है, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं है अभी, टू बी ऑनेस्ट. So just, you know, give me a little more time and I'll be back. That's it guys, I'll just leave now, and always love your parents. I love you, Papa. I always have, I always will.